वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। अज तो महीना डेढ़ महीना पहला आए थे और तुहानू घर के हालात विखाए थे कि आ माता का एक बच्चा तो एक माता कि इन्हां दे मकान डिग पे सीगे ते वीडियो पाई सी भी भाई इस तरह सरकार आ जिहड़ी साडी वह बैनरां ते पैसा ला रही है ते वह गरीबां दे कमरियां ते पैसा लावे। उदो बाद जिहड़े सज्जन ने मदद की सी ते माता नूं वह पैसे फड़ा गए सी और वीडियो भी नैट ते उवें पाती सी बना के। अज जिहड़ा ये पैसा भाई इकबाल सिंह जी ने भेजा मोगे एरिए तो ते आ विचारे बाहर आ हुण तो उह ते आ माता नूं पैसे उवें बद्धी मुठ फड़ा रहे हैं। हुण मैं गल इह कर लग्गिया कि मैं पंजाब दे लोकां नूं भी कह रहा और पंजाब सरकार नूं भी कह रहा, पंजाब दे विच इहो जिहे घर आ जिहड़े मैनूं फोन आउंदे आ कि भाई जी साडे कमरे डिग्गे होए आ, बीमार लोक पए आ, उहनां दी कोई बांह फड़न वाला है नहीं गा। वो बह मैं नहीं फड़नी, लोगों ने नहीं फड़नी, जां जिहड़े आ वीर इकबाल सिंह अर्गे आ जां मेजर सिंह अर्गे आ जां रमनीक सिंह अर्गे, उन्होंने बह नहीं फड़नी गी। यह बह फड़नी किने आ? यह बह फड़नी हुंदी आ सरकार ने। सरकार दा करोड़ा रुपया तेलां च बर्बाद हो जाता, किरायां च बर्बाद हो जाता। इन्हां दा फर्ज बनता कि हर एक जिले के डीसी नूं यह हदायत कर, उन्हां नूं हुक्म कर कि भाई जिहड़ा भी गरीब व्यक्ति है जिन्हों चाहिए, चाहे कोई ओ एस सी आ बी सी आ जनरल आ, लोगों के कोल रहन वास्ते मकान है नहीं गे, तुसी उन्हां नूं मकानां दा प्रबंध करके दिओ। और जेकर तुसी उन्हां नूं मकानां दा प्रबंध नहीं कर सकते, हर एरिए दे विच हर हल्के दे विच चार चार फैक्टरियां ला दो, उहदे विच अनपढ़ ते पढ़े लिखे उन्हां दी पढ़े लिखे अनुसार ते उन्हां नूं अनपढ़ दे अनुसार उन्हां नूं नौकरी मिल जाए। जदों उन्हां कोल नौकरी आ जूगी फिर बई किसी की मेहनत करन दी लोड़ भी नहीं, लोग आपदे मकान भी आपे पा लेणगे। हुण आ जिहड़ी माता मीह दे दिन चलदे सी, आ वेखो इधर किवें भिज्जे पए आ कमरे ते आ पल्लड़ां दे विच रहि रही आ। कल्ली इह माता नहीं, बड़े पंजाब च इहो जिहे बैठे आ। बाकी मैं इकबाल सिंह वीर जी का बहुत बहुत धन्यवाद करदा जिन्हां ने आ पैसा भेजा। इन्हां दे पैसे नाल हुण बजरी आ सकदी आ ते जिहड़ा कह लो लेंटर दे विच इन्हां ने हिस्सा पाया। और माता ने हुण 30,000 रुपये का लोन भी चक्या माती, हाँ 30,000 का लोन चक्या ते 28,000 रुपया माता दे खाते च आ गया, बाकी फाइलां दा कट कटा के। वेखो जिहड़ी वीडियो बनाई सी पहलों किसी ने शेयर नहीं की, हो सकता उन्होंने कोई 5-6 लाख बंदा वेहदा, कोई आके इन्हां दी कोई संस्था बांह फड़ लैंदी। पर मैं संस्था नूं भी बेनती करदा कि ड्यूटी है तुहाडी नहीं गी, पर इस टाइम मजबूर होया पिया पंजाब, पंजाब दे विच जिन्ने भी गरीब लोग आ उन्हां दीआं बांह फड़ लो, जिन्हां दे मकान डिग्गे होए आ उन्हां दे सिर ते हथ रख दो, मेरी इह हथ बन के बेनती आ। ते मैं फिर तो बाई जी का बहुत धन्यवाद करदा ते होरां वीरां नूं बेनती करदा कि आपदे हलकिआं दे विच ध्याती मारो, जिहड़े कोई पार्टियां दे नाल जुड़े होए आ उन्हां नूं भी हथ बन के बेनती है, भाई तुसीं किसी भी पार्टी दे होवो, यह अपना मेन मकसद है। 75 साल हो गए देश आजाद होए नूं, अज भी लोग कपड़िया तो, अज भी लोग मकाना तो, अज भी लोग इलाज तो तरसते फिरते आ। एक आ पता नहीं सपाला पिंड तो मेरे वीर का मैनूं फोन आया विचों जी एक्सीडेंट हो गया सीगा, फिर नहीं जाया गया, हुण मैं उन्हां कोल जाऊंगा ते उन्हां दे हालात भी विखाऊंगा। बेचारा पढ़िया लिखिया, मैं वह भी मिहनत करूंगा किसी कंपनी की कि उन्हूं भाई कोई नौकरी रखे, और मरीज हैगा उहदा भाई इलाज भी कराया जाए, तो उहदे 2-3 कुड़ियां बेचारे दे उहदे मकानां दा भी इंतजाम किया जाए। मैं जाऊँगा विखाऊंगा। तो बाकी आ इकबाल सिंह वीर जी का मैं फिर तो धन्यवाद करदा। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। मैं पंजाब दे मुख्यमंत्री नूं निम्रता सहित बेनती करदा कि प्यारे सज्जन जी 5 साल वास्ते तुसीं मुख्यमंत्री आ, परमात्मा तुहाडी जिंदगानी बख्शे। इन्नी क बेनती मन्नो साडी कि जिहड़े पंजाब दे विच गरीब लोग बैठे आ, चाहे कोई ओह जट होवे, मजहबी सिख होवे, राय सिख होवे, चाहे ओह रविदासी होवे, चाहे किसी जाति किसी धर्म दा होवे, उन्हां दे सिर ते हथ रखो। उन्हां नूं जिहनूं मकान की जरूरत आ मकान बनवा के दिओ, जिहनूं इलाज की जरूरत आ इलाज करवा के दिओ। हाँ, ये मैं वार वार बेनती कर रहा। तो जिहड़े साडे NRI सज्जन आ उन्हां नूं अज इक मैं तुहाडे माध्यम राही अपील कर रहा कि जिहड़े सज्जनां दा उधर चंगा काम आ उह इधर अपने पंजाब च आ के चंगे कारोबार दीआं फैक्टरियां खोलो। जेकर सरकार तुहानूं तंग करूगी जां तुहानूं कोई राजनीतिक पार्टी तंग करूगी, तुहाडे तों नजायज़ कुछ मंग करदी आ, वह तुसीं लोकां सामने मंग रख दिया जे। मेरी इन्नी क बेनती आ, तुसीं रुजगार करन वाले हुण इस टाइम तुसीं करो, सरकारां तां हथ चक्की बैठियां, पता नहीं सरकारां मगर किहड़ियां सपोर्टां अड़ गईआं जिहड़ियां लोकां नूं रोटी तों भुखा मार रहीआं। बाकी सरकार चाहे तां पावर इहनां दे हथ विच आ, बाकी लोक चाहुण तां भाई उह जिहड़ा मुख्यमंत्री उह दस्से भाई मैनूं आह मजबूरी आ, तुसीं दस्सो मैं अज तुहाडे लई काम करदा, कल नूं पंजाब मेरे नाल खड़ूगा कि नहीं खड़दा, कल नूं उह पंजाब दस्से। मैं वार वार कह रहा लोकी अज भी
चार पांच जरूरतां लोकां दीआं, सेहत सिक्ख्या रुजगार मकान रोटी कपड़ा, ये तो अज भी लोग तरसते फिरते हैं। तो यह बहुत अपने वास्ते, मैं तो यह कहूँगा सारे लोगों से घटिया गल आ। जिहड़े अमीर लोग आ, ये कुछ कुछ इहोजे व्यक्ति आ जिहड़े 10-10 लाख रुपया लैटरिंग बाथरूमां ते ला रहे आ। कुछ इहोजे व्यक्ति आ जिन्हां कोल 1.5 लाख रुपया मकान पाउण वास्ते नहीं हुंदा, वह अमीर बंदे भाई आपदा आपदा एरिया वेखण, इंसानियत तौर पर वेख लो। बाकी जे सरकार मदद करे तो किसी की लोड़ ही नहीं पैनी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। और जेकर कुछ मैं गलत किया वे तो मैं उहदे वास्ते माफ़ी चाहुंना। बाकी आ माता नूं जिहड़ा पैसा सी बई इकबाल सिंह जी दा फड़ाता जी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।